सबसे बढ़िया काम सब बच्चों को नौकरी देना, लाइब्रेरी खुलाना, सब चीज सब बच्चों की व्यवस्था पर बढ़िया है। हाँ, हमारे गांव में है। कौन खुलवा रहा है लाइब्रेरी? मीनू बेनीवाल। मीनू बेनीवाल, आपके गांव में भी लाइब्रेरी बनी? हाँ जी। आपके गांव से बच्चे कितने लगे हैं? हमारे गांव में 13-14 बच्चे लग गए हैं। पहले की सरकार में इतने बच्चे थे या इतने नहीं लगते थे? कारण क्या है सरकार में इतने बच्चे लगने का? वो कारण तो फिर ईमानदारी है, ईमानदारी है, पर्ची खर्ची नहीं चलती, पढ़ाई चलती है। पर्ची कौन सा था? लगेगा वो लगेगा, वो लगेगा। किरण लाग रही है, दोनों काम करे, टाबरे की जिंदगी मनावे, आंखें खरावे, सारा काम लाइब्रेरी लगा रखी है। आंख खुलवाई है? हाँ, महीनो 4 हो गया। हाँ, माने के मन तो बीजेपी लगे, बीजेपी लगे, हर काम बीजेपी जीते। हां, भारत तुम्हारा बीजेपी है भाई, मारी जिंदगी बनाई है, मैं बीजेपी देंगा। चाहे कोई दाब दो, माने किंग दाब कोनी माने, मारो है बीजेपी देंगा। बेधड़क है बीजेपी वाली से अच्छी संख्या में महिलाएं आई है। बिल्कुल जी, बीजेपी इस बार बीजेपी बकरिया वाले में पूरा, बिल्कुल बकरिया वाले में तो पूरा जी, कप्तान जी ने पूरा माहौल बनाया हुआ है। अभी से कप्तान ने क्या ऐसे काम किए कि पूरा माहौल बकरिया वाले बना हुआ जी? सारे जो रोड है इतने सारे बनवा दिए, गलियां बनवा दी, खालों का काम करवा दिया, लोगों के बहुत सारे रुके हुए काम थे वो करवा रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत गदब का सब। जय कप्तान और कप्तान मीनू बेनीवाल, जो जिन्होंने बहुत काम किए उनके लिए ढोल नगा रही हूँ। और मैं सबसे एक बार जरूर कहूंगा कि कप्तान साहब जिंदाबाद, कप्तान साहब जिंदाबाद। काम कर दिया ईशा? काम तो देखो सर, शिक्षा को लेके सत्र को सारी सारी व्यवस्था ऐसे किया, आगे बढ़ाई है, खालांगी है, सड़कांगी है, लाइब्रेरी है, हर सत्र में काम किया है, ना कि एक सत्र में। और धार्मिक काम है, एक पल आदमी से है जगह धार्मिक संगम की सब बहुत मोटा आपके कन्नों पीछा लगा है। वो राधा स्वामी आश्रम हुआ में भी दुड़ेड़ा करोड़ रुपया ऊपर लगाया है, चाहे वो दो दंडी धाम धर्मशाला हुए, चाहे रुणिचे धाम में हुए, करोड़ों रुपये की संख्या में लगे। और जितनी भी गौशाला है, हर गौशाला में ट्रैक्टर और छप्पर है, फ्लाइट देने के हर गौशाला में पैसा लगाया है। तो एक धार्मिक आदमी के साथ समाज सेवी के साथ हमें और वोट नगारा के साथ और जबरदस्त भी के साथ पूरी पूरी जगह बदल को है वो कप्तान साहब के साथ। अशोक तंवर को की लगे था? नहीं, अशोक तंवर जीतेगा, जीतेगा। एक बात बताओ साहब, तंवर की कुछ जगह काम करे हमारे गांव में, शक्कर मंदोरी गांव को पानी निकासी को कोई प्रबंध को नहीं हो, जो को तंवर साहब को करेडो है। और सेलजन 5 बारी हटू रेडा एमपी पे एक काम गिरा दो, आप पत्रकार हो खुद कोई शक्कर मंदोरी में जो एक बहुत पहली एक रचना रची गई और बिल्कुल तंवर साहब बहुत बड़ी लीड जीतने लग रही है। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। एलनाबाद तो एक तरफ है, मतलब आपका मन वाला है मैं तोड़े वो मारो दिल्ली तक मेरे पटे भी नहीं कप्तान साहब का ऊपर 3 क्विंटल फूल मारो रिकॉर्ड है, मारो रिकॉर्ड नहीं टूटा को मारेगा मैं जीत के निकलेगा। पक्की बात है? हाँ जी, हमारे गाँव में जीत के निकला है गाँव जी, पूरा गाँव में गिरा जीत के निकला हो जी। क्या बात है, कम से कम अशोक तंवर 2 लाख वोट प्लस जीतागा। तुमने कैसे बोला 3 लाख प्लस? कम से कम 2 लाख वोट पार, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल है। इन्हें लोग जवान जब सेल जाएगी तो 2 लाख वोटा हूँ, कम से कम 2 लाख वोटा हूँ, हरण लाग रही है, आज भी हरण लाग रही है। हरो सर्वे जाओ, आपको खुद को तंवर ही जीते जी, तंवर जीते। अंदाजो ही मारा होगा? नहीं, अंदाजो क्यों मारा जी, मारा शक्कर मंदोरी गाँव जीता है। बीजेपी ने एक तो सारों बता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण मोदी जी ने ही दिया है। आज गरीब जनता का सहयोग
5 लाख से ऊपर वो अपना आयुष्मान कार्ड बना के मोदी जी ने ही अपने गरीब जनता के साथ दिया। गरीब जनता के लिए सोचते हैं तो मोदी जी सोचते हैं, बाकी कोई नहीं सोचते। कांग्रेस ने भी इस बार अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो महिलाओं को और लिखते तो रोज लिखे तो 70 साल तक लिखते ही रहे ना, 70 साल तक लिखे, पूरे तो कभी नहीं हुआ ना। मोदी जी ने 10 साल में जो किया उन्होंने 70 साल तक नहीं करा। नहीं बंटना जी, कांग्रेस का कुछ नहीं बंटना, उन्होंने तो पहले भी ऐसे कहा है, कहने से कुछ नहीं होता, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा जी। जो धरातल की रिपोर्ट है वो ही रहेगी, मोदी जी का हवा है, मोदी जी की लहर है और मोदी जी का ही वोट है, ये मोदी जी को ही मिलना है। कोई राम मंदिर का नाम पर वोट है, काम का वोट है, काम ने वोट है, काम ने वोट है।